कोरोना के खिलाफ जंग में चूरू ने भी मिसाल पेश की है। 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद चूरू में दहशत का माहौल बन गया है। चूरू और सरदार शहर कस्बों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस मुश्किल घड़ी में कलेक्टर संदेश नायक की अगुवाई में पुलिस और प्रशासन ने शानदार काम किया। जिले की बॉर्डर सील कर दी गई। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो इसके लिए पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। संदिग्ध लोगों की लगातार जाँचें की गई और लक्षण पाए जाने वाले संदिग्ध लोगों को आइसोलेट किया गया। कलेक्टर संदेश नायक खुद पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के साथ कर्फ्यू लगे शहरों का दौरा करते हर दिन नजर आए। इसी कड़ी मेहनत और टीम वर्क का ही नतीजा है कि आज सभी 14 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में कोरोना अपने पैर नहीं पसार सका और आज चूरू कोरोना फ्री जिलों में शुमार है। चूरू में जो जोनल की परिवर्तन हुई उसके बाद कुछ छूट मिली गई थी, बट ये है कि शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पब्लिक की मूवमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन रहेगा। उसके साथ साथ जो दुकानें सुबह हमने खुली थी वो 6 बजे से पूर्व बंद होगी, और उसकी कंप्लायंस को देखने के लिए और उसको एनफोर्स कराने के लिए मैं और एसपी साहब एक राउंड भी लिए हैं और लोगों को समझाया भी है कि ये जो मेडिकल इमरजेंसी जो घोषित है और जिसके वजह से हम ये लॉकडाउन के भी कर रहे हैं और इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। चूरू जिले के जिला कलेक्टर संदेश नायक असली नायक के रूप में उभरे और दोनों शहरों में कर्फ्यू की खुद मॉनिटरिंग एसपी के साथ जाकर करने लगे और सभी अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश देने के साथ साथ 18 घंटे लगातार काम करते हुए संदेश नायक नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने एक समय खाना खाने खाया और लोगों से अपील की कि इस महामारी में कुछ ना कुछ देश के लिए छोड़े और दान करें। इसकी प्रेरणा मिलने से भामाशाह भी आगे आए और मजदूरों के लिए खाना उपलब्ध करवाने में चूरू जिला अव्वल रहा है और चूरू जिला प्रशासन की सख्ताई का परिणाम ये रहा कि सभी 14 पॉजिटिव नेगेटिव में बदल गए और सभी ठीक होकर अपने घरों की ओर लौट गए हैं। और लगातार 25 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है चूरू जिले से कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आने की वजह से अब चूरू जिला ग्रीन जोन में आ गया है। बाजार खुलने लगे हैं और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। चूरू फर्स्ट इंडिया से संजय प्रजापति।